वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलिए, सबको पता है कि आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, तो सबसे पहले हम सबों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, और इसी के साथ मेरे द्वारा कहा गया था एक विशेष गिफ्ट दिया जाएगा साइंस करियर के तरफ से सभी छात्र छात्राओं को। तो क्या है विशेष गिफ्ट, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन उसके पहले क्या देने जा रहे हैं उसका एक डायग्राम फॉर्मेट तैयार किए हैं, फॉर्मेट बता दें हम बोर्ड पर, फिर उसको लाइव दिखाएंगे। आइए, कहाँ है? चलो, चल आइए, बात करना है। सबसे पहले ट्वेल्थ, हेलो, पहले ट्वेल्थ के लिए, और इसीलिए ट्वेल्थ के लिए कि ट्वेल्थ वाले अब पुणे इलेवेंथ में नहीं जाएंगे, लेकिन इलेवेंथ वाले ट्वेल्थ में निश्चित रूप से जाएंगे। इसलिए ट्वेल्थ वाली की प्राथमिकता हम देंगे कि उनको क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं। आइए, एग्ज़ाम 4 से 5 महीना बचा हुआ है, नहीं, और 5 महीना पूर्व यदि परीक्षा के लिए कोई प्लानिंग नहीं किया जाए, योजना नहीं बनाया जाए, तो फिर सफलता, अच्छी सफलता नहीं मिल सकती है। उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। पढ़ते हैं सभी, सब ट्यूशन करते हैं, लेकिन क्या सारे टॉप करते हैं? क्या सारे टॉप 20 में आते हैं? क्या नहीं? क्यों नहीं आते हैं? वजह क्या? मेहनत वाले आप हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन मेहनती बच्चे में से टॉप कर जाते हैं। जो ज़्यादा मेहनत किया करते हैं, कभी कभी देखे होंगे कि वो पीछे रह गया, कम मेहनत वाले आगे हो गया। ये कैसे हो जाता है? तो वो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, बातचीत नहीं, वो कैसे आगे बढ़ जाते हैं? उसके पास प्लानिंग होता है, योजनाएं बन रहता है कि कैसे उसको सारे विषय को कवर किया जाए। एज फॉर एग्जांपल, आप हिंदी की बात करते हैं, हिंदी हमको नहीं लगता है कि इतना 2 साल में आप हिंदी का किताब भी खरीदे हैं कि नहीं। अच्छा, किताब खरीदे हैं, लेकिन उसको हो सकता है 2-4 की संख्या में पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट उस पर समय नहीं देता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, और उसमें भी तो 100 मार्क्स है, और मैथ में भी 100 मार्क्स है, लेकिन देखो मैथ के लिए तुम कितना पर डे ट्यूशन की बात करो तो 2 घंटा, 1 घंटा मिनिमम, 2 घंटा का ये ऑनलाइन ऑफलाइन जो हो तुम्हारा, और साथ ही साथ अब रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना सवाल दिया गया सर के द्वारा उसको बनाते हो तुम। नहीं तो हमको था कम से कम मैथ में 3 घंटे पर डे देता हूँ ट्यूशन सहित, कम से कम 3 घंटे पर डे देते हो, फिर भी 100 में 100 किसी को, सबको आता है क्या? किसी को तो आता ही है, कुछ को तो आता ही है, लेकिन सबको 100 बाय 100 नहीं आ पाता, ठीक है। और हिंदी की बात करें, क्या हिंदी में कभी सुने हैं कि 100 बाय 100 आ गया? सुने भी होंगे तो बहुत रेयर केस में, क्यों? उसके प्रति आप कहीं ना, अभी ये किताब नहीं खरीदें कुछ स्टूडेंट, 3 महीना 4 महीना एग्जाम है, तो यदि उसमें अभी से समय दिया जाए, 1/2 घंटा ही सही, तो क्या इक्विवेलेंट तैयारी नहीं हो जाएगी मैथ के? मैथ में सही है, कठिन है, प्रैक्टिस वाला पेपर है, अधिक मेहनत करना होगा,
लेकिन उस अधिक के चक्कर में उसमें भी आप 100/100 नहीं ला पाते हैं, और ये जो 100 मार्क्स का हिंदी है इसमें भी आप 50+ करना भी कठिन हो जाता है कभी कभी। देखिएगा 40% मार्क्स आया, 45% मार्क्स आया, तो वहाँ आपको लग खलता है कि सारे विषय में मेरा साइंस पेपर में तो बहुत अच्छा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, लेकिन क्या है हिंदी में ही, इंग्लिश में ही क्या हो गया, बहुत कम मार्क्स आ गया, इसी कारण से मेरा बेहतर रिजल्ट नहीं। तो करना क्या है आपको, अभी से प्लानिंग करना होगा कि कितना देर हिंदी, कितना देर इंग्लिश, कितना देर मैथ फिजिक्स। साइंस करियर का कोटेशन है कि वेल प्लान प्रिपरेशन यानी सक्सेस डिपेंड्स ऑन द वेल प्लान प्रिपरेशन। फिर से रिपीट करेंगे हम, सक्सेस डिपेंड्स ऑन द वेल प्लान प्रिपरेशन। समझ में बहुत स्टूडेंट को आया हो, क्या बोले हम, सक्सेस डिपेंड्स, हाँ सक्सेस डिपेंड्स ऑन द वेल प्लान्ड प्रिपरेशन, प्लान्ड प्रिपरेशन। आप बताइए हिंदी, हाँ सही है, ऐ अच्छी योजना मतलब सुनिश्चित योजना। हिंदी कह सकते हैं कि सफलता, सफलता सुनिश्चित, सुनिश्चित योजना के तहत तैयारी पर, सफलता सुनिश्चित योजना की क्या लिखते हैं, सफलता सुनिश्चित योजना के तहत तैयारी पर निर्भर करता है, कुछ लिख दिया हम उस सेंस में, निर्भर करता है। या ऐसा भी कह सकते सफलता सुनिश्चित योजना की तैयारी पर निर्भर करता है, ऐसा कह सकते हैं हिंदी जो भी। तो सक्सेस डिपेंड्स, स्पष्ट हो गया कि सफलता निर्भर करती है किस पर, ऑन द वेल प्लान्ड प्रिपरेशन, सुनिश्चित योजना की तैयारी पर, यही तो बेहतर है, सफलता सुनिश्चित योजना की तैयारी पर बेहतर होगा, की तैयारी पर निर्भर करता है। तो सुनिश्चित योजना साइंस कैरियर के द्वारा क्या बनाया जाता है, आप तो अपना अपना बनाएंगे, साइंस कैरियर क्या बनाती है, तो ये 2012 से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से तैयारी करवाती है। और क्या है वो BTS है, BTS भारतीय टेस्ट सीरीज, क्या होता है इस संबंध में पहले फोकस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको पता है कितना परसेंट आता है, 50%। और ऑब्जेक्टिव 50% जब आता है बाबू, ऑब्जेक्टिव जब 50% आता है तो जो तुम सही लिख दोगे नंबर काट पाएगा क्या, यदि तुम OMR सीट पर सही सही रंग दोगे 50 में 50, क्यों नहीं देगा, हाँ चलिए, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, पिछले बार लॉकडाउन लगा था, क्या इस बार लॉकडाउन नहीं लगा है, चलो तो ये इस संबंध में कंफ्यूजन है, तो चलिए ये बिहार बोर्ड क्लियर करेगी, समझे, लेकिन अभी 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 हम लोगों को लेकर चलना है, बातचीत नहीं, अभी हम लोगों को चलना है कि 50% तो देगा ही देगा ना,
चाहे वो 100 देगा तो वो देखिए 100 यदि देता है 100% उसी में से 50 बनाना है तब तो ऑप्शन आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, चुनिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि कुछ भी चुनोगे 100 में चुनो कि 500 में चुनो, लेकिन आएगा तो तुमको बनाना है 50% ना। हम ये कहना है मेरा कि 50 में 50 तुम कैसे लाओगे मैथ में। फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स में आपको पता है कि 70-30 का रेशियो रहता है, किसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच। तो प्रैक्टिकल की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन थ्योरी की बात करेंगे तो थ्योरी में 50% करो तो कितना मार्क्स हो गया, 35। फिजिक्स में 35 कैसे लाओगे, केमिस्ट्री में 35 कैसे लाओगे, इस पर विचार करना है। बायो की बात करें तो बायो में भी तो 35 ही आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला जो भी सब्जेक्ट है वो 30 तो निकल जाएगा। ठीक, कहना है इसके लिए क्या प्लानिंग है। BTS के बारे में जो चर्चा किए हैं, ये पहले 2012 में शुरुआत किया गया था, 2012 और 2012 में ही 28 मास का पहले क्वेश्चन आया करता था, 28 मास मात्र 28। और 11 एग्जाम लिया गया था साइंस करियर के द्वारा 2012 में, और 11 एग्जाम में टोटल, यानी 11 में 11 टोटल एग्जाम में 28 में 28 तो नहीं कहेंगे लेकिन मैक्सिमम में 28, लेकिन 11 परीक्षा में टॉपर, वो इसको पीछे नहीं कर पाया, जबकि वो पूरे भागलपुर स्तर पर टेस्ट होता था, हर कोचिंग के बच्चे उसमें भाग लेते थे। तो वही टॉपर होता था, तो कौन है वो टॉपर, साइंस कैरियर के ही छात्र जे भी नमन, जय विष्णु नमन कर, ये भी टॉपर तो एक ही होगा ना, 2012 की बात करते हैं। तो ये जे भी नमन IIT क्रैक किया 2013 में और अभी करंट में इसरो में साइंटिस्ट है, और गांव का नाम बता दें रजौन के बगल में खिड्डी गांव है वहीं, और अभी जस्ट फोन आया था 10 मिनट पहले, नाम है रितु रागिनी, रागिनी लड़की, और ये यहाँ से निकली, मेरे पास उस समय दो सब्जेक्ट का ऑप्शन था, दोनों विषय पढ़े थे, इंग्लिश और फिजिक्स, और दोनों विषय पर उतना ही पकड़ था, तो उनके दिमाग में आया कि नहीं हम आर्ट लेकर के क्या करेंगे, बैंक मैनेजर बनेंगे, और तैयारी करना शुरू कर दी। बीच बीच में फोन आता था, मिलने भी आती थी, उत्साह बढ़ाते जाते थे हम कि हारना नहीं है, हो जाएगा, तुम्हारा अंग्रेजी भी दुरुस्त है, हो जाएगा, और कैसे सर प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, जैसे ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद 1 साल तैयारी हुई, तो कॉल आया, हम कहते हैं कि बैंक मैनेजर बोल रही है क्या, नहीं सर अभी नहीं सर, तब क्या कौन, क्या तब कौन बोल रही है, नहीं सर अभी कोई नहीं, कुछ कोई नहीं बोल रहे हैं सर, आपका विद्यार्थी बोल रहा है, के लिए बैंक मैनेजर बन करके हमको कॉल ना करती कि सर बन जाएंगे सर। तो हुआ क्या, अभी कॉल आया रितु रागिनी का, कॉल आया तो हम वही क्वेश्चन किए कि बैंक मैनेजर बोल रही है, तो नहीं सर, कहाँ से बोल रही है तुम, लाओ से, नहीं सर अहमदाबाद से, तो किस पोस्ट पर है, बैंक मैनेजर नहीं बन पाई तो क्या बनी, तो सर इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई,
एसएससी निकाले सर, और कहा कि बैंक मैनेजर भी टारगेट है सर, सीजीएल भी हो गया है सर, तो ये सब टारगेट है इसी टेबल पर बेंच पर। तुम्हारे सामने फोन आया था इनके सामने का, ये लोग ऑफिस में थी, कॉल आया। अरे कहना क्या कि तुम भी कोई टारगेट फिक्स करोगे, लड़का और एक लड़की, लड़की लोग घबराती है, गार्जियन भी घबराते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ाएंगे, बैंक की मैनेजर की तैयारी कर रही है, होगा नहीं होगा, कल क्या होगा नहीं होगा। अरे बैंक मैनेजर नहीं मैं नहीं होगा, दूसरा में तो होगा क्या लगता है, बैंक इनकम टैक्स ऑफिसर क्या लो रैंकर हो गया, और वहाँ रह करके भी तो तैयारी हो रही है, हो सकती है। ठीक, तो कहना यह है कि आज टीचर्स डे के दिन तय करो कि साइंस करियर में के स्टूडेंट हम हैं, तो हम यहाँ सब जैसे पढ़ने वाला स्टूडेंट अपने गोल को प्राप्त करते आया है तो हम भी प्राप्त करेंगे। हमको तो लगाना चाहिए फोटो, बैंक मैनेजर कितना है, इंजीनियर कितना है, डॉक्टर्स कितने हैं, साइंटिस्ट कितने हैं। पवन कुमार साहबगंज का बैंक मैनेजर, रमेश कुमार रमन गोलाघाट में बैंक मैनेजर है, विकास कुमार सिंटंगा का है बैंक मैनेजर है, ये थोड़ी ढेर सारा पर गिनना खत्म हो गया, तो गिनते नहीं है कि ढेर हो गया, इंजीनियर डॉक्टर तो ढेर। तो कहना यह है कि ये ऐसा प्लेस है कि तुम जो मन जिस मंजिल पर जाना चाहोगे तुम जा सकते हो, लेकिन प्रयास तुमको करना होगा, कठिन परिश्रम तुमको करना होगा। विश्वास दिलाने के लिए हम उस बच्चे से बात करवा सकते हैं, उस फोटो उसका यहाँ बैठा है तुम्हारे क्लास में, उसका फोटो दिखा सकते हैं, उसका स्पीच बता सकते हैं, इससे होगा क्या नहीं, यहाँ बनता है तो हम क्यों नहीं बनेंगे, ये मदद कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करें कि BTS की बात कर रहे थे, BTS में क्या खासियत है, कैसे प्लानिंग किया है। 2011 में तो हम BTS शुरू किए और 11 परीक्षा होती थी, अब कितना परीक्षा होती है, 15 टोटल टेस्ट। कैसे गौर करो तो पहले से ऑलरेडी इसका फिक्स रहता है फॉर्मेट, दिखाएंगे फॉर्मेट रहता है, डेट दे दिए यहाँ कितना तारीख को टेस्ट है, ये डेट रहे, डेट रहे, बात कीजिए ना, यहाँ समझिए ना। चलिए डेट डेट बात नहीं, डेट रहेगा यहाँ, और डेट रहेगा तो किस डेट में फर्स्ट टेस्ट होगा, सेकंड टेस्ट होगा, थर्ड टेस्ट होगा, डेट है, और सिलेबस इस जगह रहेगा, क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा, क्या लिखिए सिलेबस, सिलेबस रहेगा कि फर्स्ट टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। और तुमको तो अभी तक लगता होगा कि लगता है क्या कि फिजिक्स का ही सिलेबस होगा, नहीं, सारे विषय का, इसमें फिजिक्स पी सी एम बी, इस बार तो ई भी जुट गया, समझे, इंग्लिश भी, पहले से भी जोर था कि इंग्लिश क्यों नहीं लेते हैं, इंग्लिश क्यों नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते थे कि बच्चे 4 घंटा एग्जाम देखने के बाद 5वां घंटा में बैठना नहीं चाहता था, तो हम कहे चलो अंग्रेजी छोड़ देते हैं, 4 घंटा एग्जाम दिया ना, संडे संडे हर संडे एग्जाम होती थी, कहाँ है कोई लाभ नहीं, वो सब तो देखते रहना जिंदगी भर। चलो क्या कहना चाहते हैं, ये सब विषय का आपको सिलेबस ऑलरेडी फिक्स रहेगा कि फर्स्ट टेस्ट में क्या होगा, सेकंड टेस्ट, थोड़ा सा सुनो कि करते क्या थे, क्या प्लानिंग है तुम्हारे लिए, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन। अब गौर करो, पहला टेस्ट दे दिया मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दो पार्ट में, बहुत बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो दो पार्ट कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट दिया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट का टेस्ट दिया, पार्ट वाइज मार्क दिया ताकि अच्छी तैयारी हो, फिर क्या किए,
अब थर्ड टेस्ट जो होगा वो कंबाइन होगा पूरे को लेकर। तो बताओ पुनः रिवीजन नहीं हो गया तुम्हारा? फिर क्या अगला मान लो कोई है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को यदि सिलेबस फिक्स है तो उसका उसकी परीक्षा होगी। अभी इलेक्ट्रिक करंट की बात कर दिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट में 3 यूनिट है। हाँ तो ये दो एग्जाम ले लिए हम अलग अलग अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसके बाद सिक्स्थ जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा? पूरे को कंबाइन, ये नहीं कि यही दोनों पढ़ कर आ जाओगे तो ये सब भूलने जाओगे, भूलने नहीं देंगे। जो पहले तो कितना दिन 15-15 दिन तैयारी किया तुम, एक एक सप्ताह तैयारी किया, तो अब कितना मिनट लगेगा देखने में उसको? तो ठीक, अब फिर 7 और 8 अलग 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 एग्जाम दोगे और 9th होगा फिर पूरे कंबाइन। बताओ इस तरह से यदि 15वां टेस्ट होगी तुम्हारा 15th टेस्ट तो क्या हो जाएगा टोटल का कंबाइन करेंगे तो ये अभी से ले करके तुम्हारा चलेगा दिसंबर तक। पहले चलता था, इस बार योजना है जनवरी तक चले, ठीक है? तो क्या प्लानिंग आपका इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं सारे विषय, ये नहीं कहते हैं फिजिक्स में लगे रहिए और सब विषय को भूल जाइए, ऐसा नहीं, सब सारे विषय की तैयारी इस तरह से हो ऑब्जेक्टिव, तो क्या रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकता है? ये सर उधर से क्वेश्चन करेंगे, सर लॉन्ग शॉर्ट, सर लॉन्ग शॉर्ट, सर इधर आ जाइए, दोनों विद्यार्थी इधर आ जाइए, तो तीनों फैन ऑफ करना पड़ेगा पीछे वाला, आ जाइए यहाँ बैठने दो। चलिए बात करेंगे कि अगर लॉन्ग शॉर्ट सर क्या होगा, अच्छा ये बताओ जो पढ़ते हो मन से बिना थ्योरी पढ़े ऑब्जेक्टिव तुम बना लोगे क्या? ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब ही है कि पूरा थ्योरी पर पकड़ होना, और थ्योरी जब पूरी तरह पढ़ लोगे तुम उसी से बनता है लॉन्ग और शॉर्ट। तो बार बार तुम उस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए थ्योरी बार बार पढ़ोगे, रट। हाँ कुछ लड़के क्या होते हैं गेस पेपर खरीद लिए, पहला अक्षी दूसरा डी रट लिए, रटने वाला विद्यार्थी का क्या स्थिति होगी? कुछ नहीं होगा, ना ऑब्जेक्टिव होगा, ना लॉन्ग होगा, ना शॉर्ट होगा। पढ़ कर जो परीक्षा देती है दिया देता है तो उसका क्या होगा? उसका दोनों तीनों तैयारी होगा, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, बहना है केवल ऑब्जेक्टिव का, लेकिन तैयारी होती है सबका। अब है कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए साइंस के लिए अलग से व्यवस्था करती है कि लॉन्ग कैसे लिखा जाए, शॉर्ट कैसे लिखा जाए, कैसे तुम लिखोगे वो बताएंगे बाद में। लेकिन अभी बात करते हैं कि ये बिटिया से आपके लिए प्लानिंग है, योजनाएं हैं, और ये शुरू हो जाएगा, डेट आपका बहुत जल्द मिल जाएगा, 15 सितंबर ना, 15 सितंबर के आसपास, यानी थर्ड वीक में शुरू हो जाएगा। हाँ सितंबर थर्ड वीक में, आपका फर्स्ट वीक सेकेंड वीक जैसे गुजरेगा थर्ड वीक में आपका शुरू हो जाएगा। और किस तरह से प्लानिंग किया है ये सोचिए, इस बार का प्लानिंग, पुराना तो बता दिया ऐसे था वैसे था, इस बार क्या करेंगे इसको समझो। ये 5 घंटा बैठाइएगा और क्या कीजिएगा सर? 5 घंटा हम बैठेंगे ही नहीं, हम परीक्षा देंगे ही नहीं, जैसा नहीं करेंगे। देखो क्या किया, ऑनलाइन के युग में प्राय के पास एंड्रॉयड मोबाइल हो चुका है, 5-10% छोड़कर 90% पास। तो ऑनलाइन के की बात करेंगे बाद में, वो बात की जगह ऑफलाइन का, ऑनलाइन के में भी देखिए क्या व्यवस्था की है। लिखा तो दिन का नाम मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हो गया जी सर। चलो अब बात करेंगे तुमसे कि देखो
हिंदी कहोगे देंगे नित नहीं, वो भी दे दिया जाए। हाँ बोलो, चलो दे दिया। कहना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इंग्लिश हिंदी, देखो क्या प्लानिंग है। आठ अभी करंट में, बाद में ऑप्शन और हो जाएगा आपका। अभी जब शुरुआत होगा सेकंड थर्ड वीक में, आठ से नौ, क्या आठ से नौ पीएम की बात करें, रात की बात करते हैं, आठ से नौ में एग्जाम होगी फिजिक्स का मंडे को, सेम समय में ट्यूसडे को। इसी तरह से समझ में आ गया? तो बताओ जी, दिन भर पर हो तुम, जहाँ कोचिंग करना है जितना पढ़ना है, रात में फिजिक्स का क्यों? ऑल सब्जेक्ट का मंडे मंडे को फिजिक्स का एग्जाम दो। कब कब दो? मंडे मंडे फिजिक्स का। और कितने बजे से देखेंगे? दो बजे और दो तीन जगह प्रोग्राम है, फिर भी आएंगे। ठीक है। हाँ, क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये समझ में आ गया है, हमको लगता है इस पर और बात करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे तुम परीक्षा दोगे, लास्ट बटन क्लिक होगा, तुरंत आपका मार्क्स आ जाएगा, कितना मार्क्स आपने लाया। ठीक है, कितना मार्क्स 35 में आपको फिजिक्स में आया, 30 आया, 35 आया, जो भी आया, ये मार्क्स टोटल आपको दिखा देगा, रैंक दिखा देगा। आप जो एग्जाम नहीं बने हैं, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो भागलपुर रहे क्या आउट ऑफ भागलपुर रहे, वो रैंक दे देगा कि आप टॉपर हैं, कि टॉप 10 में हैं, कि टॉप 100 में हैं। तो बताओ उसमें कैसा लगेगा जब टॉपर तुम बनोगे पूरे भागलपुर में? और क्यों नहीं बनोगे, जब हर क्वेश्चन तुम जानोगे, हर क्वेश्चन का जवाब तुम्हारे पास होगा, सब चीज़ कॉपी में है, तैयारी करोगे, ओ क्यू तो क्यों नहीं होगा, सब हो जाएगा। तो बताओ उसमें, उस समय जो तुम्हारा रिलाइज अंदर से जो मनोबल बढ़ेगा, जुनून जगेगा, जज्बा और दुगुना हो जाएगा कि चलो इस बार ऐसा हो गया तो अगले बार, पीछे यदि वे तीसरा रैंक, अगले बार उससे आगे होंगे, अगले बार उससे आगे होंगे। सही है कि नहीं कदम? चलो, अब है कि बहुत सारे बच्चे का ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे का क्या कहता है, सर आठ से नौ तो मेरा ऑनलाइन क्लास होता है, ऐसा हो सकता है? तो ऑनलाइन जिसका क्लास है आठ से नौ, आगे सॉफ्टवेयर आएगा तो मेरा डिमांड है, हम बनवा रहे हैं कि दिन में जब परीक्षा देना है, दिन भर में मंडे को 6 बजे शुरू होगा, 9 बजे रात तक परीक्षा देते रहो। जैसे 10 बजा 9 बजा परीक्षा, 9 बजे तक ना, जैसे लास्ट बटन 9 बज गया, वैसे ही पूरा जितना दिन भर में परीक्षा दिया है सब का रैंक आ गया। कहिएगा सर क्वेश्चन आउट नहीं होगा? कैसे आउट होगा? जैसे तुम बनाओगे ना, क्लिक करोगे, एक बार देना परीक्षा दे सकता है ना, जैसे क्लिक करोगे दोबारा फिर वो दिखेगा स्क्रीन शॉट ना, न तो डाउनलोड होगा, न ही स्क्रीन शॉट होगा, कुछ नहीं है। ये अटेम्प्ट भी तुम एक बार ले सकते हो। अब है कि रिजल्ट जब दे देंगे तब तुमको क्वेश्चन पुनः दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन गलत। अच्छा उतने न, अभी कहाँ, ये जो तुम जैसे तुमको खूब अच्छी तैयारी की है, एकदम रात दिन लग करके 7 दिन का कहा टॉपर इस बार बनेंगे हम, हुआ क्या, टॉप 20 में भी तुमने आ पाया, कितना गुस्सा आएगा अपने आप पर। ठीक नहीं, आपके सिस्टम पर हमको गुस्सा आएगा,
कि कैसे परीक्षा लिए जो टॉप 20 में हमने आए, कैसे परीक्षा लिए कि 35 में 35 आना था, 35 में आप दे दिए कितना, 25 दे दिए, कैसे? टेंशन होगा ना, हमसे कॉल करना शुरू करेगा ना, हम कितना का कॉल उठाएंगे? आप देखो क्या है, क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, चलो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है, जैसे तुम क्लिक करोगे पहला जानने के लिए, उन्हें दिखाएंगे तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन, पहले तो आंसर आ जाएगा सी हुआ कि डी हुआ, फिर नीचे में दिया रहता है एक्सप्लेनेशन, क्या दिया रहता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, और ये हुआ तो कैसे हुआ, वो कैसे होगा, वो हैंड रिटन हम लिखेंगे, मेरे हाथ से लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन हो कि सी हुआ तो कैसे, डी हुआ तो कैसे। कहेगा सर हम आपका विद्यार्थी हैं तो हमको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरा साथी तो आपका विद्यार्थी नहीं है, वो कैसे समझेगा आपका एक्सप्लेनेशन, क्या लिखे नहीं लिखे, आप बता दिए कि देखो ए क्वेश्चन एक करते हैं, 1000 क्या है नंबर है, संख्या है किसका, छोटे गोले का, ये छोटा गोला जो तुमको नजर आता है कहाँ है जी, ए छोटा गोला ये धातु का बना हुआ है, ऐसा ऐसा कितना, 1000 की संख्या में, ए इसको सबको मिलाकर एक बड़ा गोला बनाते हैं, तो बड़े गोले का कैपेसिटी कितना होगा, यदि इसका कैपेसिटी पता हो तो, इसकी क्षमता कैपेसिटी पता हो तो इसका कितना होगा ये पूछेगा, तो बताओ जी छोटे का दे दें तुमको, छोटे का कैपेसिटेंस दिया हुआ है मान लो 5 माइक्रोफैराड, तो छोटा छोटा बहुत सारा जो है वो बड़ा का क्या होगा, अरे बड़ा का क्या होगा, अब मेरा सॉल्यूशन देखना क्या है, मेरा सॉल्यूशन क्या है, सी डैश इज इक्वल टू एन टू द पावर बोलो 1/3 इंटू सी, नहीं जानते हो जी, चलो एन के जगह क्या हो गया 1000, इसका क्यूब रूट हो गया इंटू 5, तो इसका क्या हो गया क्यूब रूट 10 नहीं, तो क्या हुआ 50 माइक्रोफैराड हो गया, लेकिन जानते हो जो पढ़े हो हमसे थ्योरी उसी को ये समझ में आया होगा, ये 11th वाली 11th वाला कुछ बुझाया ये कि क्या कैपेसिटेंस बोले सर, ये क्या सी है कुछ नहीं समझते हैं, ये आया कहाँ से, हम क्यों बात मानेंगे आपका, ये कहाँ से फॉर्मूला लाए, आकाश से लाए पताल से लाए, अरे 12th की बात नहीं करते, ये फॉर एग्जांपल ये 12th है मैं उसको ये नहीं पढ़ाया गया है तब कैसे होगा, ए उसके लिए आएगा, अभी बनवा रहे हैं वीडियो आएगा केवल इतने ऐसा क्वेश्चन के लिए, नहीं समझ में आया ए ये थ्योरी आया कहाँ से, वो वीडियो में थ्योरी दिया रहेगा, फिजिक्स में थमी रहेंगे ना, हाँ अरे पहले देखो सब इसको अब ये सब चीज बता दें, तो कहना चाहता है ये देखो ए क्या देखा मेरा ऑप्शन, क्या देखा, पहले आंसर नहीं समझ में आया, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, वीडियो, और फिर भी समझ में ना आया तो पढ़ना बंद कर, हाँ साइंस करियर आकर पूछ लेना, सही बात है, चल आप बता मजेदार है क्या, चल चल तो कहना ये है, एक तो ये हो गया BTS का बारे में, और ये चलते रहेगा कब तक, जनवरी तक, और खतरनाक चीज़ हम लोगों के लिए निगेटिव हुआ करता था, प्लानिंग में बहुत सारे टीचर को बैठाना पड़ता था, क्यों कुछ टीम रहती थी, क्यों कि कब कब छुट्टी है, संडे है छुट्टी हो गया, अब घर में है कैसे परीक्षा देने आएगा, सेंटर की बात करें
एक जगह नहीं, पाँच सात जगह सेंटर है, 500-200 विद्यार्थी वहाँ, 400 विद्यार्थी वहाँ, 300 विद्यार्थी वहाँ, पूरा भागलपुर रन कर रहे हैं इस सेंटर से उस सेंटर, कितना परेशानी हुआ करते। इस बार क्या है कि संडे रे कि मंडे रे, छुट्टी रे कि कुछ भी, घर में हो या बाहर, मंडे यदि आया तो तुम्हारा टेस्ट शुरू हो गया। नहीं, टेस्ट छोड़ोगे, मेरे पास रिकॉर्ड है, गार्जियन को सूचना जाएगी आपका बच्चा टेस्ट छोड़ दिया है, समझे? तो बताओ कितनी, हाँ इस तरह का प्लानिंग है। और क्या, ये तो हो गया टेस्ट के बारे में, कोई डाउट हो तो पूछो। पहले रुको ना, पूरा कहूँ है रे, 2000 क्या कब, कोरोना से पहले बोलो, पहले 2012 की, 2012 की बात करते हैं, 2012 में, 2012 की बात करें, 2012 में जो शुरुआत हुई 500 रुपये से, सिर्फ एक विषय फिजिक्स, 500 रुपये एक विषय फिजिक्स, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो हो गया 1500 में तीनों विषय, चारों विषय, 1500 में चार विषय, और एक दो लड़का भाग नहीं लेता था। कभी देखना तुम YouTube पर, साइंस करियर, ये नहीं है, ये BTS साइंस करियर, जैसे BTS डालोगे तो अलग अलग क्लास में देखना भरा हुआ कितना रहता है, एग्जामिनेशन देते रहता है बच्चा, उसका वीडियो वहाँ रखे हैं, कितना भरा बच्चा रहता था, सब पैसा देता था, लेकिन 1500 ने, यहाँ तो ऑफर का ध्यान रहता है ना, 1200, समझे, 1200 में ये टेस्ट देता था। लेकिन गौर करो, ये तो कब, 2012 की बात नहीं करते हैं, इधर दो साल पहले बोलो ना, 18-19 की बात करते हैं, नहीं, लेकिन आप कौन, 2021 ना गया जी, 21 में क्या प्लानिंग है फी के बारे में, कि जितना पहले फी था ये उस, ये यहाँ वाला, ये वाला लगभग वही रहेगा, कुछ ही इधर उधर हो सकता है, हाँ ऑनलाइन में कम रहता है, हाँ हाँ बताएंगे सब, ये बहुत कम फी रहेगा। और फी से क्या मतलब है तुमको, ऑनलाइन और ऑफलाइन से क्या, सॉरी ऑफलाइन या ऑनलाइन से क्या मतलब है, तुमको सीखना है, टेस्ट देना है, तुम्हारे पास क्वेश्चन रहेगा, तो फिर क्या परेशानी है तुमको टेस्ट देने में, अब पैसा भी कम लग रहा है, अब नाम हो गया कि ऑनलाइन, अरे पेपर दे देंगे, पेपर तो तुम्हारा खो जाएगा, फिजिक्स निकालेगा केमिस्ट्री खो जाएगा, केमिस्ट्री निकालेगा मैथ खो जाएगा, फर्स्ट टेस्ट निकालेगा तो थर्ड का गायब हो जाएगा, थर्ड का निकालेगा फिफ्थ का गायब हो जाएगा, लेकिन उसमें तो सारण क्वेश्चन है, एक प्लानिंग ये खत्म करते हैं, बहुत कम फी के साथ ये होगा, फी बता दिया जाएगा भैया, प्ले स्टोर पर सब मिलेगा, बताते हैं, ये तो प्लानिंग हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं, बहुत कम समय लेते हुए, तो एक दिन तो हम गैपिंग हो गया, ऐसे गैपिंग था ही, सैटरडे और संडे नहीं था मना, देखो क्या था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो संडे तो फ्री, संडे को परीक्षा नहीं देना है, एंजॉय कीजिए, एंजॉय नहीं कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए, हाँ समझे, तो ये है, तुम तो हिंदी डलवा दिया, कोई बात नहीं, हिंदी भी जब चल ही रहा है तो हिंदी क्यों नहीं कहेंगे, अभी हिंदी की बात किए तो हिंदी भी रहेगा, तो ये हो गया, चलो ऐसा। अब देखो तुमको क्या है, क्रैश कोर्स अलग से है, इसमें क्रैश कोर्स भी है, ठीक है, क्रैश कोर्स तो अलग छोड़ो, क्रैश कोर्स के केवल सूचना दिए हम, लेकिन तुमको मिलेगा क्या चीज, DPS डेली प्रैक्टिस सेट की बात। तो बताओ, शुरू से बोल रहे थे कि हम देंगे, कोरोना काल, कभी सिस्टम खराब, कभी कुछ
और ये संभव हो नहीं पाया। लेकिन अब संभव ऐसा जरिया ही अपनाए हैं कि संभव ही संभव है। क्या संभव है डीपीएस? ये ऑलरेडी आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ मिल जाएगा पर डे। और जैसे वहाँ क्या करोगे, आंसर की बात करोगे पहला से दूसरा डी, वहाँ आंसर भी रहेगा। कठिनाई है पहला तुम सॉल्यूशन देखना चाहते हो, यहाँ आते हैं नहीं, यहाँ प्रोजेक्टर पर निकालते हैं, कहते हैं सर ये नहीं समझ में आता है, ऑलरेडी वहाँ सॉल्यूशन रहेगा। हाँ डीपीएस का सॉल्यूशन रहेगा, एक्सप्लेनेशन और प्लस वीडियो, वीडियो का ऑप्शन अभी बनवा रहे हैं, वीडियो अभी नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन होगा कुछ दिन में, 15 दिन के अंदर वो दे देगा वीडियो भी। तो बताओ जी, तुम जो इंतजार बना रहा है डीपीएस, ये लोग बनवा रहे हैं, इंतजार कर रहे हो, अब नहीं बनता जाते हैं सर साइंस के लिए पूछेंगे, और यहाँ आने के बाद उसी में हम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा गायब कर देते हैं। तो आपका टाइम का महत्व है कि नहीं, कोर्स का महत्व है कि नहीं, यही चीज़ तुमको घर में ही मिल जाएगा, तो क्या पूछने की ज़रूरत है? पूछने की भी ज़रूरत है तो यहाँ आकर के बहुत कम क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। हो सकता है वीडियो सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आए, उस केस में हमसे पूछना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, दूसरी बात करते हैं, ये 11, 12 दोनों की बात करते हैं, डीपीएस दोनों के लिए। और डीपीएस में आपका जो आज पढ़ाई उससे रिलेटेड बड़ा छोटा जो भी क्वेश्चन, जैसे कभी कभी पूछ देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू हैव टू आंसर इन ए सिंगल वर्ड, क्या जवाब देते हैं? वर्ड गाय क्या है? जानवर। इसी तरह जवाब देना है, गाय क्या है? जानवर। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? हाँ ठीक, कार्य वर्क। तो इस तरह से ये प्लम योजनाएं हैं। और क्या टोटल सजेशंस उसी में रहेगा, किस में? ऐप में। ऐप का नाम आप बताना चाहेंगे क्या है? वो साइंस कैरियर। ओके, साइंस कैरियर कहाँ पर मिलेगा? यूनिवर्सिटी गेट पर नहीं, साइंस कैरियर मिलेगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर पर साइंस कैरियर मिल जाएगा। वहाँ क्या करोगे, यहाँ सर्च करोगे साइंस कैरियर आ जाएगा इस तरह से। ए सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र का नाम सुना है ना? हाँ, उसी में बीटीएस लिखा है, साइंस कैरियर लिखा है, फिजिक्स नहीं लिखा है। ए फिजिक्स नहीं लिखा है कि ये फिजिक्स क्यों नहीं लिखा है? अरे सारा विषय की बात कर रहे हैं ना टेस्ट में, इसलिए साइंस कैरियर संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो फिर इसमें सारे विषय की बात होनी चाहिए। तो प्रयास तो कर रहे हैं कि कुछ तो लाभ हो, साइंस कैरियर जो बैनर बनाए हैं सब विषय के लिए कुछ कुछ तो लाभ हो। हाँ अब है कि सर आप अकेले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो संभालिएगा, नहीं जी, जो शीर्षस्थ टीचर हैं भागलपुर के, एक नहीं दो चार, सबकी सहमति होती है। मीटिंग हुआ था इधर, कहा कि बीटीएस शुरू कीजिए सर, बच्चा बर्बाद हो जाएगा नहीं, तो प्लानिंग हुआ। एक तो सर थोड़ा जितने शीर्षस्थ टीचर, नीचे नहीं ऊपर वाले टीचर की टीम, बड़े बड़े टीचर उसकी टीम इसमें भाग लेते हैं, केमिस्ट्री रे, मैथ रे, बायो रे। ओके, विश्वास नहीं है तो जब देखोगे बीटीएस का कार्यक्रम प्रोग्राम है, सब टीचर को देखोगे तुम। हमको सम्मानित किया गया, सारे शीर्षस्थ शहर के बड़े बड़े टीचर गुलदस्ता दिए। तो कहने का सेंस यह है कि तुम निश्चिंत होकर के परीक्षा दो, केवल उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा परेशानी हो ट्वेल्थ वाले को, किसी के पास मोबाइल नहीं है तो मदद तो लेना पड़ेगा, व्यवस्था तो करनी होगी, क्योंकि ये ऑफलाइन इतना संभव है क्या? जो संभव ही नहीं है तो हम प्रयास करके क्या करेंगे? अच्छा, जिससे तुम गंगा पार करना है, एक लाठी लेकर गंगा पार कर पाओगे? जब जान रहे को डूब ही जाओगे तो क्यों लाठी लेकर पार करोगे? नाव पर नाव लो, जहाज लो, ये तो व्यवस्था करना होगा। तो चलिए अब ऐप के बारे में हो गया, ऐप को दिखाएं। ठीक, ओके, आ जाओ, तो बुला तो ऑफिस से। पानी पिएगी तुम लोग? दो दो दे।
मोबाइल में अच्छी तरह से दिखाई देगा, क्योंकि हम सिस्टम से जो रहेंगे तो एक्यूरेट नहीं आता है कुछ ना कुछ। हाँ, जैसा ये तुमको मोबाइल में दिखाई देगा वैसा सिस्टम में नहीं दिखाई देगा। लाइट ऑफ कर देंगे। अरे पंखा वो बंद होगा, पीछे चले जाओ। हाँ हाँ, इसलिए कहते हैं पीछे चले जाओ, पीछे 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 जाओ। अरे पीछे अकेले पंखा चल रहा है जॉन जी, अब अच्छा दिखाई भी देगा पीछे से। ये लोग जाके उस पर ये लोग ऐसे देखेंगे। पानी लो, क्या हुआ, चला नहीं? ओ, होने नहीं किए, नहीं किया। अरे चला क्यों नहीं है बेटा? ए थी बुलाइए। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, यही उधर उस पर बैठो। उस पर तो नहीं है बैठना, यहाँ रे आएगा। चलो कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ सिस्टम जो ऑफ हुआ था उसमें कनेक्ट नहीं हुआ। तो अभी वेट करना पड़ेगा, तो होगा ही नहीं। ओ अरे बीच में डायरेक्ट ऑफ हो गया था, ऑफ हो गया था, मोबाइल से बता देते हैं। हाँ बाबा वेट नहीं करवाएंगे, बहुत समय हो गया। मोबाइल से सीख लीजिए, यहाँ नहीं हो पाएगा। एकाएक ऑफ हो गया था जो सब किया हुआ करवा गया। दूसरे दिन कभी क्लास में बता देंगे। हाँ मोबाइल जो है थोड़ा सा मोबाइल रही है तुम में से नहीं है, सब कैसे होगा? रुको हम मोबाइल मंगाते हैं वहाँ से। क्या तो क्या दिक्कत? ये आ रहा है ना, यहाँ दिखा दिखाइए ना, यहाँ दिखाइए। है आज हो जाएगा। वहाँ बैठ कहते हैं तुमको निकलने, तुम सुन भी नहीं करता है, उधर जाओ बेटा। उसको स्पेस छोड़ना पड़ता है। हाँ इस पर बैठिए, उसे उधर हाथ चलाइए, तब होगा। नहीं नहीं वहीं रखना होगा, तुम सटा दो उसको, सटाओ बढ़िया से। और ये डेस्क, हाँ उसके सामने वहाँ जो है ना क्या कि फाटक, उसके सामने हाथ रखना है। हाँ थोड़ा सा उधर जा चले जाइए, तब काम करेगा। प्रोजेक्टर भी ठीक कर देंगे रे, ये सब ना त्रकता है समय, अब निकाल करके कर। हमको कहिएगा, बताइएगा शुरू से कैसे ये लोग करेगा, वो नहीं बताना है अभी, कैसे करेगा ये नहीं बताना है, पहले ये है क्या क्या ये बताना है।
यहीं से खोलेगा तो यही आएगा। चलिए देखिए, प्ले स्टोर में सर, प्ले स्टोर जब मैं जाइएगा तो वहाँ जैसे साइंस क्रिएट डायल कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो ये चीज़ आपको दिखाई देगा। क्या? हाँ, इसके बाद की बात करते हैं, देखना बाद में, अभी छोड़ दो, यहाँ देखो, समझो, आ जाएगा, धीरे धीरे करवा देंगे। आइए देखिए, क्या हाँ देखो, कुछ नहीं बोलना है, दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए क्या, किस तरह का कैटेगरी बनाए हैं हम। ये है आपका 11th, क्या है 11th CBSE बोर्ड है ना, फिर 11th बिहार बोर्ड, ये प्लस झारखंड बोर्ड दिखाई देता होगा, इंग्लिश मीडियम है ये। CBSE तो इंग्लिश रेवे करता है, ये इंग्लिश मीडियम हो गया, ठीक। और यहाँ क्या है, हिंदी मीडियम, यानी 11th का आप देख रहे हैं कैटेगरी। और फिर यहाँ क्या है, नीट, ठीक है। और यहाँ 11th, हमको बोलने दीजिए, 11th प्लस नीट, 11th प्लस ITG मेन एडवांस्ड, क्लियर है। तो बच्चे क्या चाहते हैं, जब आते हैं तो क्या चाहते हैं कि हम CBSE का सिर्फ 11th पढ़ेंगे, आगे इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करना है, केवल हमको क्या करना है, इंग्लिश मीडियम में 11th करेंगे, क्लियर है। या फिर हम क्या ये हिंदी मीडियम में 11th करेंगे, ठीक। और यहाँ दोनों के साथ अभी से ही तैयारी करेंगे, किसका, नीट का। बहुत बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनता मेरा DPS, क्योंकि हर तरह का नहीं, एक में ही डला हुआ था ना, अब अलग अलग जो जिस तरह का तैयारी करना चाहते हो उस तरह का यहाँ क्वेश्चन रहेगा, DPS रहेगा। फिर यहाँ क्या है, जी मेन एडवांस, और यहाँ क्या है, 12, सेम जिस तरह से पैटर्न यहाँ था उसी तरह। कितना के कोर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 12th भी कितना होगा, 5 होगा। यहाँ इसको नीचे कर लीजिएगा बाद में, ये 12th वाला यहीं से शुरू होना चाहिए, दूसरे पंक्ति से। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में आपका अभी खोलिए तो क्या है, 12th में भी डाल रहे थे, वही डाल पाए, अभी सब बना हुआ डाल देंगे। 12th हिंदी मीडियम यही है ना, चलिए देखिए सारा ना, प्रोजेक्टर बंद रहते रहते गड़बड़ा आ जाता है। देखो कहना यह है कि चैप्टर जितना यूनिट है जो पढ़ रहे हो, या हम जो लिखाते हैं ना बाबू, हम जो लिखाते हैं क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये इस तरह से सारा सिलेबस आपका यहाँ दिया हुआ है, टोटल सिलेबस। लास्ट में क्या है यहाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम है। इतना यूनिट आपको पढ़ना, 10 देखो गिनो ना, 1, 2, 3 10 है। तो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यदि खोलोगे तो क्या मिलेगा तुमको, खोलिए, ऐसा दिखता है ना, असाइनमेंट है, और क्या है, DPS, और क्या है, तुम लोग को दिखाई देता है, चलो ए, तब तो यहाँ असाइनमेंट, DPS और सजेशन है। यानी अभी ही तुमको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम पढ़ रहे हो तो फिर उसका असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट सब दिन कहते थे, खुलिए तो यहाँ से नहीं खुलेगा, अच्छा कोई बात नहीं, ऐप से खुलेगा, चलिए। तो यहाँ क्या आ जाता है, टोटल असाइनमेंट जितना तुम लोग डिमांड करते, ये दीजिए वो दीजिए, सारा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक द इन रहेगा, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन जो है। तुम लोग क्वेश्चन बैंक खरीदते हो, क्या करते हो, 3 साल 8 साल 5 साल का क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम इसमें डाले हैं 83 से लेकर अभी तक, 83 से लेकर अभी तक का फिजिक्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव
लॉन्ग शॉर्ट, क्योंकि सिलेबस का मटेरियल तो लगभग वही है, क्वेश्चन पैटर्न भले चेंज हुआ है नहीं, हाँ चलो कुछ एड हुआ है तो एड वाला तो है ही, ये पुराना क्वेश्चन भी है हम जो उस चैप्टर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स पहले भी था अभी भी है, तो ऑप्टिक्स से सारा क्वेश्चन उसमें 83 से है। चलो आगे बढ़ लीजिए, ये क्या है अब नहीं असाइनमेंट हो गया, डीपीएस उसी तरह से आएगा कि समय क्यों वेस्ट करोगे, यहाँ डीपीएस खोले क्या, हाँ डीपीएस डीपीएस फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसी तरह से रहेगा सारा अपना बनाना। चलो नोट कीजिए, खोलिए इसको, अब फोने पर खुलेगा, यही सब परेशानी, छोड़िए छोड़ दीजिए, ये समझा रहे हैं बस, ये सब ऑप्शन है आपका, पीछे कीजिए टेस्ट दीजिए, ओ इसके अंदर टेस्ट भी था ना, बोलिए यहाँ से नहीं आएगा ये, तब तो मोबाइल से बताना होगा, टेस्ट मतलब ये हो गया कि जैसे बीटीएस है ना, बीटीएस का अलग है लेकिन यहाँ टेस्ट अलग है, टेस्ट मतलब तुम्हारा हम क्लासरूम टेस्ट लेना चाहेंगे नहीं, वो अलग होगा। चलिए आगे देखिए ऑप्शन, ये तो हो गया क्या चीज़, पीछे जाइए ना, ये सारा चैप्टर का अलग अलग उसी तरह होगा, डीपीएस असाइनमेंट सजेशन, अब देखिए क्या है नीचे, चाहिए जाइए, अब देखिए क्या है, हम लोग ट्वेल्थ तक की बात किए थे, नीट है, ट्वेल्थ नीट या नीट है स्पेशल, यदि एलेवेंथ ट्वेल्थ पास करके यदि कोई बच्चा आया है तो नीट का बैच तो हम चलाते हैं, नेट के नीट का के लिए अलग तो अलग बैच होगा, आईआईटी के लिए अलग बैच जो चलाते आ रहे हैं, यहाँ ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। चलिए आगे बढ़ो, अब देखिए यहाँ क्या है, बीटीएस फॉर एलेवेंथ सीबीएसई और बिहार बोर्ड, कि तुम चाहोगे कि नहीं एलेवेंथ में भी हम टेस्ट देंगे, परीक्षा में पूछे नहीं पूछे, कंपटीशन में तो पूछेगा, हम टेस्ट डेली देंगे, आपकी कि हम पढ़ेंगे रात में हम टेस्ट देंगे, तो एलेवेंथ के लिए भी बीटीएस है, यहाँ क्या है बीटीएस फॉर ट्वेल्थ, ये तो है ही जो बताए हम इसके संबंध में, ठीक है, फिर क्या है बीटीएस फॉर नीट, फिर बीटीएस फॉर जीमेन और जी एडवांस अलग, और फिर क्रैश कोर्स है जो आपके लिए, जो बच्चा छूट गया है जिनका वेब ऑप्टिक्स या क्या क्या, तो क्रैश कोर्स से उसको लाभ मिलेगा। क्रैश कोर्स में क्या होगा बाबू, तो क्रैश कोर्स में आपका टोटल जितना सजेशन है, टोटल सजेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, हैंड रिटन और साथ ही वीडियो क्लासेज मिलेगा, ऑफलाइन चाहते हो तो ऑफलाइन भी ये कर सकते हो, टाइम बता दिया जाएगा। चलिए आगे आओ, क्या ये इतना कोर्सेज है मेरे पास, बताइए कुछ छूटा क्या, नहीं छूटा, तो और कुछ है, कुछ नहीं है, तो चलो दो मिनट वक्त लेते हैं बस, फिनिश करते हैं इसको, कोई पूछना है कोई चीज़ तो बताना हमको, समस्या आएगी शुरू में या चलाने में परेशानी होगी, उसका समाधान हम करेंगे, समस्या का समाधान हम करेंगे। आइए स्क्रीनशॉट सब नहीं होता है, वो होगा तब तो फिर ये आपका क्या मतलब हुआ। हाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन हम कर देते हैं, तुम स्क्रीन शॉट क्यों करोगे, कि तुमको तुम्हारे पास नेट खत्म हो जाएगा तो पढ़ोगे कैसे, है ना सर, कि नेट नहीं काम करता है हम कैसे पढ़ेंगे, हम अभी नेट अभी समय में खत्म हो गया, रात में पढ़ने की जरूरत है, तो जब तुम्हारा नेट काम करे तब डाउनलोड कर लो, ओके, तो डाउनलोड का ऑप्शन सब में, डाउनलोड जहाँ रूरल एरिया में रहता है, गांव में गांव जा रहा है, टोटल डाउनलोड कर लो जहाँ नेटवर्क काम करता है, और उसके बाद घर में पढ़ो, वो डिलीट वगैरह नहीं होगा मोबाइल में, चूँकि है नहीं वो तुम्हारे पास रह जाएगा, ओके, लेकिन सब का ड्यूरेशन है, जो जब तक पढ़ोगे तभी तक ना रहना चाहिए, हाँ वो 24 महीना 18 महीना इस तरह से दिया हुआ है, जो जैसा कोर्सेज है। एनी क्वेश्चन नहीं, तो चलिए यदि अच्छा लगा हम कहेंगे इसके बारे में बताइए कि बीटीएस शुरू होगा सेकेंड वीक में, मंडे जिस दिन आ गया शुरू हो जाएगा, बताइए कि अब कब मंडे आ रहा है, देखिए तो मोबाइल है, थर्ड वीक में, देखो थर्ड वीक में,
कितना तारीख है थर्ड वीक? 13 तारीख को मंडे है। 13 खुले हो गए? 13 में 20 दिन होगा सर, थर्ड वीक तो सर ये खुल कहाँ रहा है? बाद में बात करना, आप करो। चलिए आज इतना ही रहेगा।